एक बार किशोरदा लता दीदी से बोलते हैं कि लता तुमको मेरा कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है। तो लता दीदी मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं कि बोल के सुनाऊं दादा कि गाकर सुनाऊं। तो किशोरदा कहते हैं गाकर ही सुना दो। लता दीदी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि दादा आज नहीं लेकिन आपको जरूर मैं सुनाऊंगी, कभी ना कभी आपको जरूर सुनाऊंगी जो मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है आपके द्वारा गाया हुआ। लता दीदी का बर्थडे आता है और जब बर्थडे आता है तो किशोरदा के यहाँ एक गिफ्ट भेजा जाता है और किशोरदा जैसे ही उस गिफ्ट को खोलते हैं तो उसके अंदर एक कैसेट होता है। उस कैसेट को वो देखते हैं और एक नोट लिखा हुआ होता है और वो नोट लता दीदी ने भेजा हुआ होता है किशोरदा को और वो कहती हैं कि किशोरदा आपने हमेशा मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट भेजा है, आज मैं आपको एक रिटर्न गिफ्ट भेज रही हूँ। आपको याद है ना आपने मुझसे पूछा था कि मेरा कौन सा गाना आपके द्वारा जो गाया हुआ है वो फेवरेट है, तो मैंने गा करके उसी गाने को रिकॉर्ड करके आपके लिए भेजा है। लता दीदी खुद HMV स्टूडियो में उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया, उस गाने को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके फिर किशोरदा को अपने ही जन्मदिन पे उस कैसेट को भेजा। अब वो गाना आपने आज तक नहीं सुना होगा, ये गाना पहली बार लीना चंद्रावरकर जो उनकी पत्नी है किशोरदा की, उन्होंने अब इस गाने को रिलीज कर दिया है। अभी सुनिए इस गाने को, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लता दीदी ने गाया है, किशोरदा ने तो कमाल ही कर दिया था इस गाने के साथ। सुनिए इस गाने को। इस जीवन का यही